लीव्स पत्ते नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं, तो मैं क्या करूँगा? स्टाफ है उनका ही रह जाऊंगा और वो रोने लग गया। ऑफिस का चलो मैं अपने क्लाइंट को उसमें अपने सर्जरी पॉलिसी उसको ले लूँ एंड से तो ग्रासहॉपर पेमेंट हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हेड स्टोर अभी ग्रेट फॉर मेंटर। तो ग्रासहॉपर को याद आया जब मैं गाना बजाता था, गाता था और मस्ती करता था, तब मैं देखा था कि सारे हैंड्स अपने पीठ पे सारा खाने पीने का सामान ग्रेन को ला करके ले जाते थे वेंडर के लिए। तो मैं इनके पास जाता हूँ, ग्रासहॉपर। सी आई विल शो यू, सी आपको दिख रहा है, मैंने आपको स्टोरी में समझाया। पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ग्रासहॉपर, देखो ग्रासहॉपर उनके घर पे जाता है कि मुझे बहुत भूख लगी, उसको बहुत ठंडी लग रही है और उसको बहुत भूख लगी। अभी भी देखो उसके हाथ में उसका वायलिन है, दिख रहा है आपको? वो इनके घर पे जाके डोर पे नॉक करता है और एंट्स को बोलता है कि प्लीज फ्रेंड्स मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ठंड के मारे मर जाऊंगा और मुझे बहुत तेज भूख लगी, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तो एंट्स ने क्या रिप्लाई दिया कि जब हम लोग पूरे समर में तुमने क्या किया, जब हम लोग ग्रेन स्टोर कर रहे थे, इतना काम कर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम खाना खाते थे, पीते थे, डांस करते थे और गाना गाते थे, तुमने कुछ काम नहीं किया पूरे समर में। हमने तुमको समझाया था विंटर आ रहा है कुछ करो, और अब तुम हमारे पास खाने को मांगने आए हो, तो देखो ये लोग अंदर खा रहे हैं पी रहे हैं। तो वो लोग इसको दरवाजा गुस्से से बंद कर देते हैं और बोलते हैं हमारे पास तुमको देने के लिए कुछ भी खाना नहीं है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो जब वो लोग ऐसा बोलते हैं तो वो लोग गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और लेजी, ये देखो लेजी ग्रासहॉपर आपको दिख रहा है, वो बेचारा भूखा प्यासा वहाँ से चला जाता है और उसको कोई भी कुछ भी खाने को नहीं देता। तो आपको समझ में आया, हमें कभी भी कोई अगर कुछ बोलता है समझाता है तो उसको हमें समझना है, अच्छे से उस पर अमल करना है। ये नहीं कि किसी की बात को लाइट कर दिया, कोशिश करना चाहिए। वरी यानी चिंता करना, एफ डबल ओडी फूड यानी खाना, एच यूएन जी आर वाई हंगरी यानी बहुत भूख लगना, एन ई आई जी एच यू आर नेबर यानी हमारे पड़ोसी, आपके नेबर में आपके पड़ोसी अंकल आंटी भी रहते हैं ना, जब उनको आपके पड़ोसी आंटी भी घर भी रहते हैं, बहुत सारे आपके नेबर्स होते हैं पड़ोसी। सी ओडी कोल्ड यानी ठंड लगना, एस यू एन एम यानी संबल यानी गर्मी, डब्ल्यू आई एन एल विंटर यानी ठंडी, टी एन ओ सी के डी नॉक यानी अगर आप किसी घर जाते हो तो आप नॉक करते हो, पी एन ई एन प्लीज अगर कुछ मांग।
वो बेचारे एंट्स लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और अपनी फैमिली को बचाने के लिए फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं. तो रीड दिस लेसन, गो थ्रू और वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.